दोस्तों नमस्कार। आज सारा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। विश्व के अनेक देशों में इस महामारी का संक्रमण फैल चुका है। हमारे देश में भी इसने अपने पांव पसार दिए हैं। आज आप हम सभी इस खतरनाक वायरस से लड़ रहे हैं और जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं कि इस बीमारी का अब तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है, इसका कोई वैक्सीन नहीं बन पाया है। कोशिशें जारी हैं लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिली है। कितना समय लगेगा कोई नहीं जानता। तो ऐसी स्थिति में आप हम सभी का कर्तव्य है कि अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और खुद को अपने घरों में सुरक्षित रख कर अन्य लोग जो हैं उनको भी सुरक्षित रखें। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका कड़ाई से पालन करें, लॉकडाउन का एकदम कड़ाई से पालन करें, स्वयं को अनुशासित रखें। और दूसरी बात, आज हमारे समाज का एक बहुत बड़ा जो कोरोना वॉरियर्स का जो वर्ग है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, वो लोग अपने अपने मोर्चों पर डटे हुए हैं आपकी, हमारी, हम सभी की प्राणों की रक्षा के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों का जो कर्तव्य है, हम लोगों की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनको कम से कम तकलीफ हो हमारी वजह से। उन लोगों का जहाँ तक हो सके हमें सहयोग करना चाहिए और वो इस समय धरती के भगवान की तरह हैं, क्योंकि आपकी हमारी जो जान है, हमारे जो प्राण हैं, उनकी रक्षा के लिए वो लोग अपने प्राणों को खतरे में डालकर जूझ रहे हैं। रात और दिन 24 घंटे किसी किस्म की कोई किसी बात की परवाह ना करके अपने घरों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके आपकी हमारी रक्षा के लिए वो लोग निरंतर प्रयासरत हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ तक हो सके उन सभी को सहयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्लीज़ अपने घरों में रहें और दूसरों को भी कहें कि वे भी अपने घरों में रहें। बस एक बात और कहना चाहूँगा कि कठिन समय है, अभी व्यर्थ की बातों में नहीं पड़ना है। कठिन समय है, अभी व्यर्थ की बातों में नहीं पड़ना है। हर भारतवासी को मिलकर कोरोना से लड़ना है। जय हिंद, नमस्कार।